हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अपर्णास होम एंड लाइफ। होप ऑल आर डूइंग गुड। और आज मैं शेयर करूंगी गेस्ट लंच आइडियाज़, और उसमें हम बनाएंगे कॉर्न पालक राइस और उसी के साथ वन पॉट दाल। और फिर मैं एक 99 सेंट का मिनी हॉल भी शेयर करूंगी, और फिर हम डिनर करने चाट सेंटर गए थे, उसके कुछ हाथ क्लिपिंग्स। और कॉर्न पालक राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कॉर्न्स लिए हैं, उसको मैं बॉईल कर दूंगी। ये फ्रेश कॉर्न्स है और उसमें मैंने 1 चम्मच शक्कर डाला है और बॉईल करने रख दिया है। बासमती चावल को भी पानी में भिगो के रखा है, पालक को चॉप करके पानी में सोक किया है। और अब राइस बना लेते हैं। तो पैन में मैंने पानी लिया है, जितना चावल है उसका डबल पानी लिया है। और फिर उसमें डाला है मैंने तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, शाही जीरा और 2 दालचीनी के टुकड़े, और स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा घी। और पानी में अच्छे से उबाल आने के बाद हमने जो भिगो के बासमती चावल रखे थे वो ऐड करेंगे, और उसको जेंटली हम मिक्स कर देंगे। और चावल को यहाँ पे मैंने खुला ही पकाया है, और 90% कुक होने तक हमें इसे पकाना है, और उसके बाद ड्रेन करके एक प्लेट में अच्छे से ठंडा होने के लिए स्प्रेड कर देना है। और जब तक चावल ठंडा हो रहा है हम कॉर्न और पालक को सॉटे कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉर्न, पालक, स्लाइस किए हुए ऑनियंस, जिंजर गार्लिक और स्प्रिंग ऑनियंस लिया है। तो पैन में थोड़ा सा तेल, और उसमें मैंने डाला है हरी मिर्च और उसी के साथ स्लाइस किए हुए ऑनियंस और जिंजर और गार्लिक, और इसको हम अच्छा सा एक मिक्स दे देंगे। और ऑनियंस थोड़े से सुनहरे होने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे थोड़े से स्प्रिंग ऑनियंस, और थोड़ा हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। और उसमें फिर मैंने जो बॉईल करके रखे थे वो कॉर्न ऐड किए हैं, और फिर एक बार सॉटे कर लेंगे। और फिर मैंने उसमें डाला है पालक। बहुत ही क्विक ये रेसिपी बन जाती है, और मैंने फर्स्ट टाइम ही ये ट्राई किया इस कॉम्बिनेशन के साथ। तो आपके घर में अगर कोई गेस्ट आ रहे हो तो बना सकते हो, उनको भी ये बहुत अच्छा लगेगा। और पालक बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, उसमें मैंने डाला है नमक, और हम मिक्स कर लेंगे। और फिर तब तक चावल ठंडे हो गए थे तो मैंने चावल को कॉर्न और पालक के मिक्सचर में डाल दिया है, और हम इनको जेंटली मिक्स करेंगे ताकि चावल टूटे नहीं। बहुत ही जल्दी ये बन जाते हैं जब तक चावल बॉईल होके ठंडे हो रहे हैं। आप ये कॉर्न और पालक का मिक्सचर जो है वो रेडी कर लो, और बस फिर मिक्स कर देना एंड इट्स रेडी। तो यहाँ पे मैंने गार्निशिंग के लिए स्प्रिंग ऑनियन डाला है, और हमारा कॉर्न और पालक का राइस रेडी है। और उसके साथ हम बनाएंगे एक वन पॉट दाल। उसके लिए मैंने लिया है क्रश्ड गार्लिक, जिंजर, 2 स्लेट ग्रीन चिली, स्लाइस्ड ऑनियन और टमाटो जो मैंने लंबे लंबे कट किए हैं। और यहाँ पे मैंने तूर की दाल अच्छे से वॉश करके सोक कर ली है। मसालों में लिया है ज़ीरा, दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 1 हरी इलायची और तेज पत्ता। और इसे हम डायरेक्टली कुकर में बनाएंगे। तो कुकर में मैंने लिया है तेल और थोड़ा सा घी, उसमें डाला है ज़ीरा और जो खड़े मसाले हैं वो, उसी के साथ हरी मिर्च, क्रश किया हुआ गार्लिक, जिंजर, और अभी मैं उसमें डालूंगी स्लाइस किए हुए ऑनियंस और एक मिक्स दे दूंगी। और फिर उसी के साथ मैं उसमें ऐड करूंगी हींग और हल्दी पाउडर, इनको भी मिक्स करके फिर मैं वो स्लाइस किए हुए टोमेटोज ऐड कर दूंगी, उसी के साथ नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। और इन सबको हमें मिक्स कर लेना है, और फिर सोक की हुई दाल हम इसमें डालेंगे। आप मिक्स्ड दाल भी डाल सकते हो, तुअर और मूंग, या फिर सिर्फ मूंग की दाल, ऐसा भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ तुअर की दाल ली है, और फिर गार्निशिंग के लिए मैंने उसमें डाला है कोरिएंडर, और मैंने उसमें ऐड किया है पानी। तो बस अभी एक बॉईल आने तक इसे खुला पकाएंगे, और कुकर बंद करके मैं 4 से 5 सीटी आने दूंगी। और ये दाल बहुत ही जल्दी बन जाती है कुकर में तड़का इसी में, अलग से आपको तड़का देने की ज़रूरत नहीं है, और एक वन पॉट झटपट सी ये दाल बन जाती है। और कॉर्न और पालक के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे से जा रहा था। सो डू ट्राई दिस, और अगर आप सिंपल सी ज़ीरा राइस भी बनाते हो उसी के साथ भी ये दाल बहुत अच्छे से जाएगी। तो मैंने कुकर ठंडा हो गया था ओपन कर लिया है, और बस एक विस्कर के हेल्प से मैंने दाल को यहाँ पे अच्छे से
मैश कर लिया है। और इस स्टेज पे अगर आपको दाल गाढ़ी लगती है तो आप थोड़ा सा इसमें गर्म पानी ऐड करके कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो। तो बस हमारा कॉर्न पालक का राइस और उसके साथ ये यमी सी दाल बिल्कुल रेडी है। सो डू ट्राई इट वंस, और अगर आप ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। और मेरे चैनल में और भी कई सारे वीडियोस हैं, जैसे कि रूटीन व्लॉग्स, DIY, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रैवल वीडियोस, रेसिपीज़, ये सब मैं शेयर करती हूँ, तो डू चेक आउट माय चैनल वंस। और कुछ दिनों पहले हम 99 सेंट गए थे, मुझे वहाँ से कुछ क्राफ्ट रिलेटेड और होम डेकोर रिलेटेड देखना था। 99 सेंट डॉलर स्टोर्स यहाँ पे बहुत अच्छे आपको वैरायटीज़ मिल जाते हैं थोड़े कम प्राइस में, तो वहाँ से मैंने कुछ चार चीज़ें ली है। तो क्विकली मैं आपके साथ ये मिनी हॉल अभी शेयर करती हूँ। हेलो दोस्तों, तो कुछ दिनों पहले हम 99 सेंट्स गए थे और वहाँ से मैंने कुछ आ चीज़ें लिए हैं घर के लिए और किचन रिलेटेड। तो क्विकली आई विल शेयर यू दिस मिनी हॉल। तो फर्स्ट इज़ ये मैंने बटरफ्लाई के स्टिकर्स लिए हैं कलरफुल। मेरे लिविंग रूम में एक ऐसा ग्लास का विंडो है तो सोचा वहाँ पे ये अच्छे लगेंगे, तो इसके लिए मैंने ये लिए हैं दो। और नेक्स्ट मैंने लिया है ये रैक, इसमें ऐसे 3 लेयर्स है। ये मैंने बेसिकली किचन के काउंटर टॉप में ऑयल वगैरह रखने के लिए या फिर जो स्पाइसेस होते हैं उनको रखने के लिए लिया है। या जब मैं अरेंज करूँगी तब आपको दिखाऊँगी कि मैंने इनको कैसे यूज़ किया है। और फिर ऐसे मैंने छोटे छोटे प्लांटर्स लिए हैं, बहुत क्यूट है। और ये सब ऑल आर बिलो $5। और इसमें आप चाहो तो रियल प्लांट भी लगा सकते हो इसे हटा के, बहुत क्यूट सा और छोटा सा है। और ये एक नेक्स्ट आर्टिफिशियल प्लांटर, इसमें ऐसे स्टोन्स है और ये क्यूट सा ट्री, ये कैट, ये भी बहुत क्यूट है। और नेक्स्ट मैंने ये लिया है, इसको मैंने डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए लिया है। और ये मैंने एक DIY मैक्रमे पैन प्लांट होल्डर लिया है, तो इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस है, कॉटन रोप, वुडन रिंग और इंस्ट्रक्शंस दिया है, बस इसको असेंबल करना है। और इसी के साथ मैंने एक लेजी सूजन भी लिया है, वो मैंने ऑलरेडी टेबल पे रख दिया है। तो बस यही कुछ चीज़ें मैं ले आई हूँ, और जब इनको मैं यूज़ करूँगी, अपने जगह पे रखूँगी, डेकोरेट करूँगी, आपको किसी और ब्लॉग में दिखाऊँगी। और बहुत दिनों से इडली नहीं खाई थी इसलिए मैंने इडली के लिए बैटर रेडी कर दिया है। चावल और उड़द की दाल को मैंने सोक करके रख दिया है, तो इस वीकेंड में मैं इडली या फिर मसाला डोसा बनाऊंगी। और फिर फ्राइडे इवनिंग को चाट खाने का मन हो रहा था इसलिए हम बाहर आए हैं रेस्टोरेंट में डिनर करने। और इस रेस्टोरेंट का नाम है सूरती फरसान मार्ट, यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम ही आए हैं। यूजुअली इसके बाजू में और एक रेस्टोरेंट है तो वहीं पे हम चाट खाया करते हैं हमेशा, पर सोचा इस बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने ऑर्डर दिया है, तो टुडे वी विल एन्जॉय चाट। और यहाँ पे बहुत सारे फरसान या फिर वो जो मिक्सचर है, सेव, तरह तरह के स्वीट्स है और बहुत सारे वैरायटीज़ है। और जाते जाते हमने यहाँ से कुछ आद वो जो नमकीन है वो भी पैक कर लिए थे। तो यहाँ पे हमने पापड़ी चाट, ये दिल्ली वाली चाट, और ये तवा पुलाव, और इसका नाम मैं भूल गई, और ये हमने वड़ा पाव ऑर्डर किया था, उसके साथ एक छोटी सी मिर्ची भी आई थी, और वड़ा का साइज़ बहुत ही छोटा छोटा था, पर चाट बहुत ही यमी था। सो वी एन्जॉयड दी चाट डिनर। और बस यही था आज का व्लॉग, होप करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। डू ट्राई दी कॉर्न पालक और वो वन पॉट वाली दाल रेसिपी। और वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग, सब्सक्रिप्शन इज़ फॉर फ्री। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, बाय बाय।